$270। जी हाँ, 270 कैनेडियन डॉलर का खर्चा लगता है आप। हेलो एवरीवन, तो आज फिर से एक और नया वीडियो, लगभग एक साल बाद। इससे पता चलता है कि जिंदा हूँ। तो आज के वीडियो का विषय है हाउ टू ब्रिंग योर डॉग टू कैनेडा। तो क्योंकि मैं इंडिया से मेरे डॉग को लेके आया, तो मैं आपको प्रोसेस इंडिया वाला ही बता सकता हूँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अपने कुछ पेट को लेके आना है कैनेडा में, तो क्या प्रोसेस है? एक सिंपल प्रोसेस है, आप अपने साथ ट्रेवल करा लो बाय एयर, ठीक है? और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि आप किसी एजेंट के पास चले जाओ, तो बोलेगा 3,25,000, 3,70,000। ये मैं ऐसे ही कोई नंबर नहीं बोल रहा हूँ, ये इंडियन रुपीज़ हैं, 3,70,000 इंडियन रुपीज़। दे आस्क फॉर 3,70,000, 3,50,000। और मेरा कितना खर्चा आया है मेरे डॉग को इंडिया से लेके आने में, मेरी टिकट के अलावा? $270। जी हाँ, 270 कैनेडियन डॉलर का खर्चा लगता है आपको अपने कुत्ते को यहाँ लाने में, अगर आपके पास कैनल है तो। अगर कैनल नहीं है तो वो भी आपको, अगर किसी एजेंट वगैरह के पास जाओगे तो वो बोलेंगे लैब्राडोर है आपका, जैसे मेरा डॉग जो है लैब्राडोर है, 48 इंच का चाहिए। तो पहले मेरे को किसी ने 48 इंच वाला जो है कैनल खरीदवा दिया, जो कि बहुत ही बड़ा था, वो इवन मेरी SUV में भी फिट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने वो रिटर्न करके वापस 40 इंच का कैनल लिया, जो कि 17,000 का पड़ा। वो भी मुझे लग रहा है ज़्यादा है, पर अमेज़ोन पे एक या दो सेलर हैं जो कि बेचते हैं वो, ठीक है? तो वो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो अब मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ क्या करना होता है, ठीक है? तो अगर आपको अपने डॉग को इंडिया से कैनेडा लाना है, तो पहला काम, उसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड प्रॉपर आप जो है अपडेट करा लो अपने वेटरनरी डॉक्टर से। जो भी उसको रेबीज़ के वैक्सीन हैं, ये है वो है, वो सारे 4-5 वैक्सीन हैं जो लगते हैं, वो लगवाओ। वो उसकी एक डॉक्यूमेंट में वो स्टिकर लगा के देगा, वो संभाल के रखो। फिर एक माइक्रोचिप लगती है डॉग के कॉलर में, गर्दन में, वो इंसर्ट कर देते हैं वो, तो वो माइक्रोचिप बहुत ज़रूरी है, वो लगवाओ। ये दो चीज़ें हो गई। फिर आपको तीसरा जो मेन, जहाँ जद्दोजहद होती है, वो ये है कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट, वहाँ से आपको इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होता है, जो कि अगर आप गूगल पे जाके एनिमल क्वारंटाइन दिल्ली सर्च करोगे, तो कापसहेड़ा बॉर्डर पे है, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे, वहाँ आपको जाके, और फिर आपको टाइम लेना पड़ता है, वो ऐसे आपको एंटरटेन ही नहीं करते हैं। तो या तो आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, मैं वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ एक ईमेल है, उस ईमेल पे लिखो कि आपकी डेट ऑफ ट्रेवल क्या है, साथ में आपके टिकट की कॉपी लगाओ और पासपोर्ट ऑफ द ओनर की कॉपी। तो वो आपको, जो आप जाने वाले हो गए से 14 दिसंबर को, लाइक मैं 14 दिसंबर को इंडिया से आया, यहाँ 14th को आया, लेकिन उन्होंने मुझे 12th का टाइम दिया, तो ये 2 या 3 दिन पहले का ही टाइम देते हैं। तो उस टाइम पे आपको वहाँ जाके अपने डॉग को लेके जाना होता है, प्रॉपरली दिखाना होता है, वो चेक करते हैं, माइक्रोचिप को आइडेंटिफाई करते हैं और डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं, उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट दे देते हैं आपको। वो सर्टिफिकेट ही एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो आपको कैनेडा में लेके आना है, और कोई कुछ कहानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये तो हो गया पेपर वर्क, ठीक है? तो क्या क्या हुआ? पहला, आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड फ्रॉम योर वेटरनरी डॉक्टर, नंबर 1। नंबर 2, माइक्रोचिप इन डॉग्स कॉलर, ओके? नंबर 3, इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनिमल क्वारंटाइन ऑफिस इन दिल्ली। मैंने दिल्ली का ही मुझे पता है, तो मैंने दिल्ली का बता रहा हूँ आपको। ये 3 चीज़ें हो गई। अब एक और चीज़ है, बिफोर दैट, जब आप अपनी टिकट बुक करते हो, तो टिकट बुक करने के लिए ट्राई करो आप डायरेक्ट फ्लाइट बुक करो। जैसे मैंने एयर कैनेडा की डायरेक्ट फ्लाइट बुक करी दिल्ली टू टोरंटो, फिर टोरंटो टू रेजाइना, क्योंकि मैं अभी रेजाइना में रहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मुझे
मैंने कॉल सेंटर पे कॉल किया, उन्हें बोला कि मुझे मेरे डॉग के साथ ट्रैवल करना है। तो उन्होंने पूछा दोनों साइड या एक साइड, तो मैंने कहा एक साइड। तो इंटरनेशनल ट्रैवल जो है पैट का अलोंग विद यू इज़ 270 कैनेडियन डॉलर ओनली। 270 डॉलर उन्होंने मुझे बोले कि आपको लगेंगे, और ये जो 270 डॉलर हैं आप ध्यान रखना, ये आपको एयरपोर्ट पे देने पड़ते हैं, टिकट में चार्ज नहीं होते। तो जैसे आप एयरपोर्ट पे अपना लगेज वगैरह डिपॉजिट करते हो, वैसे ही सेम तरीके में आपको जाना है वहाँ पे, डॉग के डॉक्यूमेंट दिखाने हैं और उसका जो है जो भी उसकी एक बाउल वगैरह में थोड़ा बहुत खाना रख दो, एक पानी की बोतल लग जाएगी। वो पानी की बोतल में भी बड़ा झोल झाल है, वो पानी की बोतल ऐसी होती है कि डॉग अपने आप उसको पी सके। तो वो बोतल वहाँ एयरपोर्ट पे पेट फ्लाई वाले का ऑफिस है, वहाँ से मैंने ली, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि कहाँ से क्या मिलता है। वरना अगर आप पहले ही अपने किसी वेट वगैरह को या कोई भी एनिमल शॉप है जहाँ पे आप डॉग फूड वगैरह लेते हो, वहाँ पे वो मिलती हैं। एयरपोर्ट पे मेरे को 500 रुपये की वो छोटी सी बोतल मिली, जो कि नॉर्मली 50 रुपये की भी नहीं होती। ठीक है, तो आप वो बॉटल वगैरह लेके फिट करके वहाँ पे ले जाओगे, तो फिर वो बोलेंगे आपको जो है ओवर साइज लगेज में इसको ले जाना है। तो वो पैसे चार्ज करेंगे और टैग वगैरह लगा के उनका बंदा आपकी हेल्प भी करेगा साथ में। तो आराम से आप डॉग को डिपॉजिट करो वहाँ पे, अपनी फ़्लाइट पकड़ो, उसी फ्लाइट में वो आ जाएगा। जैसे मैं पहले टोरंटो उतरा, तो फिर मैंने वापस मेरे डॉग को लिया, उसको थोड़ा घुमाया फिराया, सुसु पॉटी कराई, फिर वापस उसको फिर से दूसरी फ्लाइट में फिर से वापस ये कर दिया, हैंड ओवर कर दिया उन्हें। ठीक है, फिर यहाँ रजाइना आके ले आया। तो प्रोसेस एकदम सिंपल है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप बोलोगे अरे किसी को बोलते हैं, किसी एजेंट को करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो एजेंट जो है वो इतना पैसा चार्ज कर देगा। अब आप ये देखो कि मेरी खुद की टिकट और पूरा खर्चा मिला के भी उतना पैसा खर्च नहीं हुआ जितना कि वो मांग रहे थे खाली डॉग को ट्रांसफ़र करने का। बस हाँ ये है कि मेरे को 10 दिन की छुट्टी लेके इंडिया जाना पड़ा। तो वो तो छुट्टियां, तो अगर आपके पास हैं तो छुट्टियां आप ले सकते हो। ठीक है, नहीं है तो फिर आपको किसी फैमिली मेम्बर को बोलना पड़ेगा। इतने में तो इससे अच्छा है फैमिली मेम्बर आके चला जाएगा आपका। अगर किसी आपके किसी फैमिली मेम्बर के पास विजिटर वीज़ा है और वो आपके डॉग को छोड़ने आ सकता है और चला जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत ईजी है, कोई खास वो नहीं है। मैं आपको इसमें लिंक दे रहा हूँ कि एक ही वेबसाइट है जो इम्पोर्टेंट है, वो एनिमल क्वारंटाइन सेंटर की है। वहाँ पे आपको ईमेल लिखना है, टाइम लेना है अपॉइंटमेंट का, उस टाइम पे डॉग को लेके जाना है, चेक कराना है, सर्टिफिकेट लेना है, दैट्स इट। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स वो है, लेकिन हाँ अभी मेरा डॉग तो आ गया है यहाँ पे, तो अगर आपको भी आपका डॉग भी इंडिया में है और आपके बीवी बच्चे मिस कर रहे हैं तो इट इज़ द टाइम, क्रिसमस के आसपास लोगों को छुट्टी भी होती है, जाओ और जाके ले आओ। ठीक है, बाकी मेरे से रिलेटेड अपडेट, नौकरी ठीक चल रही है, आजकल गलती से प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और इंतज़ार है, और बहुत सारी चीज़ें अभी रास्ते में हैं, अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। तब तक फिर मिलेंगे, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और हाँ, बहुत सारे लोग जो मुझे उधर ड्यूरिंग माई विजिट टू इंडिया और वैसे भी लोग मिले, मुझे बोला अरे वीडियो वापस बनाओ बनाओ, मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि थोड़ा बिजी था, लेकिन हाँ वीडियो बनाना अब वापस मैंने सोचा है शुरू करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।